मत्यनो नवमो वचनामृत एमां पण कृपा वाक्य छे। मुक्तानंद स्वामी कहे छे महाराज कीर्तन शुरू करिए। श्रीजी महाराज कहे छे लो भगवान नी वात करिए। स्वामीनारायण भगवान कहे छे हे संतो ज्ञान मार्ग एवो समझवो कि जेमा भगवान नो द्रोह ना थाय। क्यांक भगवान नु वचन लोपाई गयुं होय तो भगवान नी माफी मांगीए ने तो अपराध माथी मुक्ति मळे, परंतु भगवान ना स्वरूप नो द्रोह थयो होय तो अपराध माथी क्यारे पण मुक्ति मळती नथी। माटे समझू होय एने भगवान ना वचन मां पोतानी सामर्थ्य प्रमाणे वर्तवुं, पण भगवान नी मूर्ति नु बळ अतिशय राखवुं। सदा सर्वोपरि दिव्य साकार मूर्ति सर्व अवतार नो अवतारी एवं जे भगवान नु स्वरूप ए मने मळ्युं छे एम समझवानो। अने आवी रीते समझतो होय अने कदाच सत्संग थी बहार निसरी गयो तो एने भगवान नी मूर्ति मांथी हेत टळतो नथी। ये भले कदाच सत्संग थी बाहर होय पण देह मुकीने भगवान ना धाम मां ज पामशे। अत्यारे सत्संग मां रहेतो होय भले नियम पाळतो होय परंतु भगवान ना स्वरूप नी निष्ठा पाकी नहीं होय तो देह मुकशे त्यारे ब्रह्मा ना लोक मां जशे क्यां बीजे जशे पण पुरुषोत्तम नारायण ना धाम मां नहीं जाय। माटे निष्ठा एवी राखवानी मने मळ्यो जे भगवान नु स्वरूप ए सर्व अवतार नु कारण अवतारी छे एम जाने, सदा दिव्य साकार छे एम समझे, अने एने जो बीजा अवतार जेवा जाने तो द्रोह कर्यो कहेवाय। हवे बे उदाहरण आपे छे श्रीजी महाराज, एक नियम वाला अने बीजा भगवान ना स्वरूप ना बळ वाला, बे उदाहरणों। જ્યારે મહાભારતની લડાઈ થઈ એ વખતે અર્જુન એને ભગવાનના સ્વરૂપનું બળ હતું અને યુધિષ્ઠિરને શાસ્ત્રના વચનના નિયમોનો વિશ્વાસ હતો, તો લડાઈમાં ભગવાને અર્જુનને કહ્યું કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ अहम त्वाम सर्व पापे प्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच। अर्जुन आ तो युद्ध छे, अधर्मीओनो नाश करवा माटेनी आ लड़ाई छे, एमां जे कोई अवरोध आवता होय फेंकी देवाना, हूँ कहूँ एम कर, तारू कर्तव्य शो हूँ कहूँ एज करवानो। युद्ध में अत्यारे पण आ शिस्त छे, ऑर्डर इज ऑर्डर, એમાં પછી સાહેબ આમ કરીએ તો આમ થાય નહીં, બોલાય જ નહીં। શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે મામે એકમ, હું કહું એ પ્રમાણે જ કરવાનું, એમાં પાપ થાય તો મોક્ષયિષ્યામિ, હું બેઠો છું ને, એમાં પાપ થાય તો હું બેઠો છું, બધા પાપથી હું તને મુકાવી દઈશ। અને યુદ્ધ ચાલુ થયું, એમાં કેટલું બધું ચાલ્યું, વડીલોને મારી નાખ્યા ભીષ્મ પિતા જેવાને, ગુરુદેવ ઉપડી ગયા દ્રોણાચાર્ય, યુક્તિથી યુદ્ધમાં પછી ગમે તે રીતે અસ્વસ્થામાં ગયો ગયો એમ કરીને દ્રોણ ગુરુને ઉડાવ્યા, એલા કર્ણના રથ ને પંચર પડી ગયેલું, એ રિપેર કરતો હતો, લગાવી દે અત્યારે લાગ સારો છે, યુદ્ધના નિયમ વિરુદ્ધ। પેલા કર્ણે દલીલે કરી, વાતો તો મોટી મોટી કરો છો, ધર્મના સ્થાપન માટે અવતર્યો છો અને અત્યારે મારા ઉપર હથિયાર ચલાવો છો, એ યોગ્ય છે? એ શું ધર્મ છે? એટલે ભગવાન કહે છે બેસ બેસ ધર્મ વાળી, જિંદગીમાં તે ક્યાં ધર્મ પાળ્યો છે કે તારી સાથે ધર્મથી વર્તાવ કરીએ જેવા સાથે, અને આ બધા કામો અર્જુન પાસે કરાવ્યા।
छता अर्जुन ने आनंद हतो, मैं कई कर्यु नथी, मने तो द्वारिकाधीश कयु एम मैं कर्यु छे। ए बधाज कर्मनी जवाबदारी मारी नहीं, द्वारिकाधीश नी। खुश हता अर्जुन, आनंद मां हतो, एने कोई उद्वेग नहोतो। अने पहली बाजू युधिष्ठिर खाए नहीं, पीवे नहीं, अने ओहो उदास उदास। विजय थई गयो, जय जयकार थई गयो, युधिष्ठिरना माथे राज मुगट मुकायो, युधिष्ठिर उदास, एकदम उदास, अने रोवा मंड्या, मारू कोई काले कल्याण नहीं थाय। पोतानी जाते जाते चौकड़ी मारी दीधी पासपोर्ट ऊपर, बोलो मने वीजा नहीं मळे। पण भाई तमारे हाथे चौकड़ी शा माटे मारो छो, ए तंत्र पासे तो जवा दो तमारा डॉक्यूमेंट। पण पोताने हाथे हाथे मारू कल्याण नहीं थाय। अल्या धर्म राजा, तारू कल्याण थशे के नहीं थाय तमारा हाथ में क्या छे? नहीं थाय कहूं छू ने, मारू कल्याण नहीं थाय। पछी मोटा मोटा ऋषिओ व्यासजी आव्या, आ तो धर्म युद्ध हतो, आने आ धर्म युद्ध नी संपूर्ण जवाबदारी द्वारिकाधीश नी हती। द्वारिकाधीशे युद्ध में कयो तो छे, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तमारे तो निमित्त बनवानुं छे, काम हूं करी रह्यो छु, तमे शा माटे माथे ओढी लो छो? ना 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 ना, आ बधुं मारे लीधे, हूं भेगो तो हतो ने, हूं तो साथे तो हतो ने, टोळकी मां नाम आवे ने, कोई गुंडा टोळकी, कोई चोर टोळकी, बधाना नाम भेगा ज आवी जाय, भले ने एक जणो माळा लईने भेगो गयो होय तो शुं थई गयो? युधिष्ठिर ने एम ज थई गयो, मारू कल्याण नहीं थाय। भगवाने कह्युं, तमारे आवी चिंता करवानी होय नहीं, आ कार्य तो मारे करावानुं हतुं अने मैं करावी छे। हा पण नजर आगळ हो, लोहीनी नदीओ चाली, केटला बिचारा निर्दोष मरी गया, केटली बहनों, हजारों बहनों विधवा थई गई, मारू कल्याण नहीं थाय। भगवान ने विचार कर्यो, हवे आ शुं करवुं, को आ नथी मारुं, ए समझता सांभळता नथी, ऋषि महर्षिओनुं पण एने आ काने हैये उतरतुं नथी। छेवटे एमने पकड़ीने लई गया मरण पथारी ऊपर पड़ेला भीष्म पिता पासे। त्यां जईने कह्युं के आने समझावो। भीष्म पिताए बहु बहु समझाव्यो, खूब समझाव्यो, त्यारे मांड कंईक राहत जेवुं थयुं। नहीं भला मोटू फ्रेक्चर थयुं होय ने, जाजा ऑपरेशन करे ने त्यारे मांड पछी टेके टेके चाली हके। युधिष्ठिर ने आवुं थयुं, मांड टेके 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 चाली सके, पण अर्जुन जेवा निर्संशय थया नहीं। स्वामीनारायण भगवान कहे छे, भगवत स्वरूप नो बल लेश मात्र होए तो मोटा भय थकी रक्षा करे छे। माटे हे भक्तजनो, जेने भगवान ना स्वरूप नु बल हैयामा होय एज एकांतिक भक्त कहवाय, एज पाको सत्संगी कहवाय। श्रीमद भागवत जेवा शास्त्रों मां कह्युं छे के श्रुति स्मृति ना धर्म ने कंईक तजाय तो एनी चिंता नहीं, पण भगवान नो आश्रय तजवो नहीं। कोईने एम लागे के आवी वात करिए तो धर्म खोटा थई जाय, पण आ वार्ता धर्म ने खोटा कर्या सारू करी नथी, पण देश काल क्रिया संग गमे वा विपरीत आवे, पण भगवान ना स्वरूप नु जो बल जेने होय ए कोई दिवसे धर्म माथी पड़े ज नहीं। अने जेने भगवान ना स्वरूप नु बल नथी ए गुण बुद्धि वालो कहेवाय, एने सत्संगी ज न कहेवाय। बहु ध्यान राखजो, आपणे कोण छे? सत्संगी। भगवान नु बल छे अंदर, जे थशे मारा इष्टदेव नी इच्छा थी थशे, मारी मरजी विना रे कोई थी तरणू न तोड़ाय, ए वात उपर विश्वास आवे छे? तो जेने भगवान ना स्वरूप नु बल, जेने भगवान ना स्वरूप मां पाकी निष्ठा, एज साचो सत्संगी छे।
બાકી તો બધા ગુણ બુદ્ધિ વાળા છે. હે ભક્તો, આ સમયમાં જેને સત્સંગમાં પ્રતીતિ આવી એના પુણ્યનો પાર નથી. માટે હે ભક્તજનો, તમે સૌ કૃતાર્થ છો એ વાત સદાય સમજી રાખજો. અને ભગવાનના સ્વરૂપનો મહિમા કાયમ સ્મરણમાં રાખજો. સ્વામિનારાયણ ભગવાન.